दोस्तों, क्या एक बड़े से मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से सोने को पिघलाया जा सकता है? सुनने में नामुमकिन सा लगता है, लेकिन रिजल्ट आपके होश उड़ा देगा। सबसे पहले मैग्नीफाइंग ग्लास का सामना फुटबॉल से करवाया गया, लेकिन फुटबॉल कुछ ही सेकंड्स तक टिक पाता है। अब की बार सूरज की गर्मी से पॉपकॉर्न को बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सिवाय एक दो पॉपकॉर्न के बाकी सारे पॉपकॉर्न जल गए। आखिर में अब बारी आती है सोने की। बता दे कि सोने को पिघलाने के लिए 1000 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जो कि केवल भट्टी में पॉसिबल है। लेकिन एक बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से सोने जैसी मजबूत चीज को भी पिघलाया जा सकता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।